न्यूज चैनल करते हैं आज की शुरुआत कुछ ताजा तरीन खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी कान्हीवाड़ा से। युवती की लाश सिवनी जिले में मिली, हुई शिनाख्त। कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत इदावाड़ी ग्राम के पास खेतों में 3 दिन पूर्व मिली थी लाश। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 302-201 IPC के तहत मामला दर्ज, तलाश जारी। युवती की शिनाख्त 21 वर्षीय कविता, पिता सुरेंद्र बड़कड़े निवासी ग्राम समथापुरी थाना कटंगी जिला बालाघाट के रूप में हुई। सिवनी जिले मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर सिवनी मंडला रोड पर स्थित इदावाड़ी ग्राम के पास खेतों में एक अज्ञात युवती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित उक्त मामले में कान्हीवाड़ा पुलिस ने 3 दिन बाद मृतिका की शिनाख्त कर ली। मृतिका की शिनाख्त 21 वर्षीय कविता, पिता सुरेंद्र बड़कड़े निवासी ग्राम समथापुरी थाना कटंगी जिला बालाघाट के रूप में हुई। शिनाख्त के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302-201 के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। अब देखना यह है कि बालाघाट जिले की युवती की सिवनी जिले में हत्या उपरांत मिली लाश की गुत्थी आखिर कब सुलझती है और कब इस सनसनीखेज वारदात के अज्ञात आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सिवनी कान्हीवाड़ा से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। खबर क्या है सब, पूरा मामला इसमें दिनांक 17/9/2021 को मुंडरई और इंदावाड़ी के बीच खेतों के बीच में अज्ञात बॉडी, उम्र करीब 21-22 वर्ष की लड़की का लाश मिली थी। उक्त लाश की पहचान उस समय नहीं हो पाई थी, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जगह जगह प्रसारित किया गया था कि इसकी कोई पहचान हो सके। तो इसी क्रम में उस लड़की की पहचान, जो अज्ञात लड़की थी, उसकी पहचान कविता पिता सुरेंद्र वरकड़े, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम समतपुरी थाना कटंगी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। क्या कार्रवाई की गई है? अभी बॉडी की शिनाख्त हो गई है और उसमें अज्ञात आरोपी को 302-201 IPC का अपराध संजीवित किया गया है। परिजनों को लाश सौंप दी गई। परिजनों को लाश